और उत्तराखंड आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने नेताओं को मिशन 2017 की फतह का मंत्र दे दिया है। अब राज्य के शीर्ष नेताओं के लिए इस रणनीति को जमीन पर उतारने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। मिशन 2017 का शंखनाद कर गए शाह, पार्टी नेताओं को दिया मिशन 2017 फतह का मंत्र, अब रणनीति को जमीन पर उतारने की चुनौती। बीजेपी के शहंशाह अमित शाह का उत्तराखंड दौरा मिशन 2017 शंखनाद कर दिया है। हरिद्वार में जहां अमित शाह ने हरीश सरकार पर सीधा हमला बोला, वहीं हल्द्वानी में प्रदेश परिषद में पार्टी नेताओं को यह बता दिया कि मिशन फतह करना है तो कैसे आगे बढ़ना है। मंच पर खंडूड़ी, कोश्यारी, निशंक के साथ ही सतपाल महाराज और पूर्व सीएम बहुगुणा को खड़ा कर एकता का संदेश दिया, तो वहीं बूथ मैनेजमेंट को सबसे अहम बताया। शाह ने बागियों को भी खबरदार किया कि टिकट की माथापच्ची छोड़ो, फोकस सिर्फ पार्टी की जीत पर करो। वाकई अमित शाह ने पार्टी पर जो मंत्र फूके हैं उसे नेताओं ने शिद्दत से निभाया, तो 2017 की राह बेहद आसान होगी। मगर सवाल ये कि क्या मंत्र का असर चुनाव तक रहेगा? क्या शीर्ष नेता इस रणनीति को कामयाब बनाने में कामयाब हो पाएंगे? कितने सारे कार्यकर्ता विधायक बन सकते हैं क्या बताइए? बन सकते हैं भाई, वैसे ही आप नहीं बन सकते, सारे बन सकते हैं बताइए भैया। तो विधायक जो बनना चाहता है, जो और कुछ बनना चाहता है के लिए अलग बात है मित्रों, मगर पार्टी बड़ी हो गई तो आपको भी सम्मान। शाह के निर्देशों से बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व उत्साहित है। नेता इसे 2017 फतह का आगाज बता रहे हैं। सारे कार्यकर्ता उत्साह से आज लबालब भरे हुए हैं और 2017 की फतह निश्चित है। 2017 में हम दो तिहाई बहुमत से जरूर निकल के आ रहे हैं। हर कोई विधायक नहीं बन सकता, जो जीत सकता है उसको विधायक बनाया जाने का प्रयास किया जाएगा और जिसको भी टिकट दिया जाए सबको मिलकर उसको जिताने का। और सबसे महत्वपूर्ण, हम लोगों ने एक एक साल का अपना त्याग किया है विधायक का, और अगर अब भी हम सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए तो हमारा त्याग बेकार है। हरीश रावत की कूटनीतियों और जोड़ तोड़ की सियासत से पटखनी खाए बीजेपी नेताओं के लिए शाह की अहंकार किसी संजीवनी से कम नहीं। देखना होगा कि नेता और कार्यकर्ता इस जोश को 2017 तक बरकरार रख पाते हैं या फिर नहीं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम नसीहतें तो दी हैं, लेकिन 17 में पार्टी का चेहरा कौन होगा इसे साफ नहीं किया है, जबकि ये सवाल भी कम अहम नहीं। अब देखना होगा कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर भाजपा के सिपहसालार एक साथ 17 फतह करने के लिए हल्ला बोलने का मादा दिखा पाते हैं या नहीं। कैमरामैन गौरव पंत के साथ में प्रशांत राय, समाचार प्लस, देहरादून।